नमस्कार। आज हमारे किचन में नान खटाई बन रही है, उसमें अधिकतर मैदा पड़ती है। हमने मैदा तो डाली है लेकिन बहुत कम, उसकी जगह हमने रोस्टेड चने की दाल का पाउडर डाला है। आइए शुरू करते हैं। ये हमने घी लिया है, न पिघला हुआ न जमा हुआ, इस टाइप का। इतना पिघला इतना जमा हमें घी चाहिए। और ये चीनी है 2 कप। ये रोस्टेड चने की दाल का पाउडर है 1 कप। ये मैदा है 1 कप। और ये सूजी है, इसको हमने बारीक पीसा हुआ है 1/2 कप। तो ये 1 कप घी हो गया, 2 कप पिसी हुई चीनी हो गई। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, अगर कम मीठा खाते हैं तो चीनी की मात्रा कम कर लीजिए, ये आपके ऊपर है। और ये 1 कप मैदा और 1/2 कप सूजी और 1 कप रोस्टेड चने की दाल का पाउडर। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारा ये घी है इसको और चीनी को हमें मिलाना है। ये देखिए, ये ऐसे कर खूब आराम से बैठ के फेंटिए, इस तरह से फटेगाइए। बहुत कर रहा काम नहीं है लेकिन जितनी मेहनत करेंगे उतनी बढ़िया नान कठाई बनेगी। ये देखिए इस तरह से फटेगा। ये अब एक चलनी लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और इन सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छानेंगे। ये हम एक एक करके सब इसमें डाल देंगे। और इसके बाद डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इसे चलनी में छान लेंगे, थोड़ा सा इसको मिलाएंगे। और क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है इसलिए इसमें 2 चम्मच दही और मिलाएंगे। बेकिंग सोडा तभी वर्क करता है जब उसके साथ दही पड़ता है। और अगर आपको पसंद हो तो थोड़ा सा इलायची पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालिए, अदरवाइज मत डालिए। इसको हम मिलाते हैं आराम से, थोड़ी देर इससे मिलाएंगे, इसके बाद हाथ से मिलाएंगे। ये नान खटाई का डो तैयार हो गया है। अब इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे। ये हमारे इतने पेड़े बनके तैयार हो गए हैं, अब हम इसे ओवन में रखते हैं। टेम्परेचर सेट किया है 160 डिग्री और इसको चेक करते रहेंगे। फिलहाल इसको अभी 8 या 10 मिनट्स के बाद देखेंगे। अब नान खटाई का दूसरा लोट हम कढ़ाई में बनाएंगे। इसके लिए हमने इसमें नमक बिछा दिया है और ये स्टैंड रख दिया है ये, और इसके ऊपर प्लेट रख के पहले हम गैस को फुल करेंगे और जब अच्छी तरह से कढ़ाई गर्म हो जाएगी तब हम गैस को स्लो कर देंगे। और इसमें नान खटाई लगा देंगे, थोड़ी दूरी रखेंगे क्योंकि थोड़ी ये साइज में बढ़ेंगी इसलिए।
देखिए कढ़ाई में जो बनाई थी वो ये वाली है। ये भी खूब फूल फूल के बड़ी हो गई हैं, लेकिन अभी 1-2 मिनट बाद ये तैयार हो जाएंगी। अब अवन की नान खटाई देखिए, ये हमारी अवन की है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट बनी है, ये भी 1-2 मिनट बाद तैयार हो जाएंगी। जब ये निकलेंगी तब आपको दोबारा दिखाऊंगी मैं। ये कढ़ाई वाली नान खटाई तैयार हो गई है, ये देखिए। एकदम क्रिस्पी कुरकुरी बनी है ये देखिए, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है, एकदम कुरकुरी और क्रिस्पी है ये। अब अवन वाली नान खटाई देखिए, वो भी कुक हो गई है ये देखिए, सुपर क्रिस्पी नान खटाई है ये। आप अब आपकी मर्जी है, आप अब अवन में बनाएं या कढ़ाई में बनाएं, दोनों ही परफेक्ट बनेंगी। बस रेशियो का ज़रा ध्यान रखें और टाइम का ध्यान रखें। टाइम का ध्यान ना रखें तो उन्हें चेक करती रहें बीच बीच में कि वो ओवर कुक ना हो जाएं, अदरवाइज़ उनका कलर चेंज हो जाएगा और वो ब्राउन हो जाएंगी या जल जाएंगी। इस तरह से आप इजीली घर पे ही नान खटाई बनाइए और एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।